किसको सुनाए। इसलिए चुप रहते हैं। सुनाए कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। जब ये शीशाए दिल सावन का महीना था, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है, आज खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। गम की कोई बात नहीं है, हमें खुशी ने रुलाया है। आंख से आंसू बहना जाए, आंख से आंसू बहना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। डॉली क्या हुआ? डॉली डॉली क्या हुआ? लगता है डॉली को चक्कर आ गया। ओह क्या हुआ डॉली को? डॉली को क्या हुआ? डॉली मां बनने वाली है। क्या? जल्दी जल्दी किया फैसला, गलत भी हो सकता है। रुक्मिणी, मैं एक डॉक्टर हूं, फिर एक बाप, और उसके साथ साथ एक दोस्त भी। एक दोस्त होते हुए
मैं एक दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैंने तो दोस्ती के सर पे रिश्तेदारी का सहरा बांधा था और तूने और तेरे खानदान ने तेरी बेटी का पाप मुझसे छुपाया। एक दोस्त के एतबार को तू इससे बड़ा धोखा और क्या दे सकता था। देख नरेन, तू मेरी दोस्ती को गलत मत समझ। क्या कहा? गलत ना समझो डॉक्टर साहब, यह तो मेरी शराफत थी जो मैंने एक सौतन की बेटी को अपनी बहू बनाना मंजूर किया। डॉक्टर, एक जहरीला सच नंगा होकर मेरे सामने खड़ा है और तू चाहता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। बेहतर यही होगा कि इस पाप की गठरी को उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। किसका कलंक है तेरी कोख में? बता, किसके साथ तूने मुंह काला किया है? बता वरना मैं यही जमीन में तुझे जिंदा कर दूंगी। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले क्या गलत और क्या सही है। अब तो आ गया समझ में। बता, ये पाप तूने किसके साथ किया? एक बार मैं और अमित बर्फ के तूफान में फंस गए थे। हम यहाँ से वहां चारों तरफ भटकते रहे, लाख तलाश करने पर भी शहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम हो रही थी कि अचानक हमें एक कश्मीरी चाचा नजर आए। अमित ने उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ बहुत जोरदार बर्फ गिरी है, शहर के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। उन्होंने हमें अपने घर आकर रात गुजारने को कहा। हमारे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। गिरा दे इस पाप को, मैं कहती हूँ गिरा दे इस पाप की निशानी को। आपने तो आसानी से कह दिया मम्मी कि गिरा दे इस पाप की निशानी को, लेकिन जब मैं आपके पेट में थी तब क्यों नहीं गिराया मुझे? आखिर मैं भी तो एक पाप की निशानी थी। डॉली, होश में बात कर। मैं होश में बात कर रही हूँ मम्मी, गुस्से में तो बात आप कर रही हैं। अपनी परछाई पर पैर पड़ा तो तिलमिला उठी आप। बकवास मत कर, तुझे इस बच्चे को गिराना ही होगा। नहीं मम्मी नहीं, आप भी तो नहीं गिरा सकी थी, इसलिए ना कि उस वक्त आप माँ थी और मैं आपके कोख में थी। डॉली, आज मैं माँ हूँ, मैं भी अपने प्यार की निशानी को नहीं गिरा सकती। मैं भी अपने बच्चे को जन्म दूंगी, मैं भी इस दुनिया से उसी तरह लड़ूंगी जैसे आप मेरे लिए लड़ रही हैं। क्या कहा? डॉली, सुना सुना आपने क्या बकवास कर रही है? डॉली ठीक कह रही है। हाँ राधा, कल ही मैं उस समाज के ठेकेदार मेरा से मिलूंगा और बात करूंगा। अब चुप हो जा डॉली, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बात बताओ, लड़का होगा या लड़की? डॉक्टर श्याम वर्मा, द गेट क्रैशर। गेट क्रैशर तो आपको नहीं कह सकते, लेकिन सिचुएशन तो वैसी ही है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात इतनी जरूरी और नाजुक है कि मुझे आना ही पड़ा। क्या मैं आपसे 5 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? जानता हूं साहब क्या बात करनी है आपको मुझसे। साहिबान, डॉक्टर श्याम वर्मा मुझसे कुछ बात करने आए। कुछ दिन पहले इनकी बेटी आई थी वही बात करने, फिर इनकी बेगम तशरीफ लाई वही बात करने, और अब ये खुद आए हैं चलकर वही बात करने। मैंने कहा ना मिस्टर मेहरा कि बात इतनी नाजुक है कि नाजुक वाजुक क्या होता है साहब। साहिबान, बात सिर्फ इतनी सी है, इनकी बेटी को मेरे बेटे से मोहब्बत है, मोहब्बत। और इनकी बेटी एक नाजायज औलाद है जिसने इनकी रखेल के पेट से जन्म लिया। मिस्टर मेहरा, आप ही बताइए, आप में से कोई साहब नाजायज लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कभी नहीं। साहिबान, आप ही की तरह से मैंने भी यही कहा था,
कि मेरे बेटे की शादी एक नाजायज लड़की से हरगिज नहीं हो सकती। आप बार बार मेरी बेटी को नाजायज कहते जा रहे हैं और मेरी बात सुने बगैर अपना फैसला दोहराते जा रहे हैं। समाज के उसूलों के खिलाफ जो काम आपने किया है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी, आपकी बेटी को भुगतनी होगी। क्यों साहिबान, गलत कहा मैंने? ठीक कहते हैं आप डॉक्टर साहब। दुनिया में कितने ही नाजायज लड़के पड़े हैं, उनमें से किसी एक के साथ शादी कर दो अपनी बेटी की। मैं बात बंद करो। डॉक्टर श्याम, इससे पहले कि पार्टी का मजा किरकिरा हो आप यहां से चले जाएं। मिस्टर मेहरा, जिन पैरों से मैं यहां आया हूं उन्हीं पैरों से मैं वापस भी चला जाऊंगा। मेरे दिल में अब भी थोड़ी सी इज्जत है आपके लिए, इसलिए अकेले में मेरी बात सुन लीजिए। मुझ में सुनने का हौसला है, अगर तुम में कहने की हिम्मत है तो कहो सबके सामने। आप नहीं मानते तो सुनिए, मेरी बेटी आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। ब्लैकमेलिंग का ये नया तरीका निकाला है तुमने? ये ब्लैकमेलिंग नहीं, एक सच्चाई है। तुम्हारा बेटा भी एक नाजायज औलाद का बाप बनने वाला है। बंद करो ये बकवास। जानता है तू एक कानूनी आदमी के सामने खड़ा है, तेरी ये जुरत इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालूं, इससे पहले कि आप इन्हें धक्का देकर बाहर निकालें मुझे आपसे कुछ कहना है। सुना तूने? सुना ये डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है? सुन लिया, अब आप भी सुन लीजिए डैडी। दिपिंती की कोख में जो बच्चा है वो हमारे प्यार का फूल है। व्हाट? मुझ में और मेरी मोहब्बत में इतनी हिम्मत है डैडी कि मैं ये सच्चाई खुलकर मंजूर करूं, मैं दिपिंती से शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहा है? एक मामूली सी गिरी हुई लड़की जो समाज की नजरों में पाप की तस्वीर है उससे शादी करेगा? हां करूंगा। वो आपके लिए पाप की तस्वीर हो सकती है मगर मेरे लिए पूजा का फूल है। आप उसूल और कानून के नशे में बेहोश हैं डैडी, आप तो इंसानों को भी कानून की किताब की तरह पढ़ते हैं। खामोश बदतमीज। आज मैं खामोश नहीं रहूंगा, इतना सुन लीजिए आप। मैं अब जीऊंगा तो दिपिंती के लिए, मरूंगा तो दिपिंती के लिए। आप भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा भी था। शादी का निमंत्रण पत्र भेज दूंगा, वक्त मिले तो जरूर आइएगा। आइए सर। डॉक्टर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हीरों का कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। रोक दीजिए ये शादी। शादी रोक दीजिए? क्या मतलब? शादी तो हो चुकी। ओह, द क्राइम इज ऑलरेडी कमिटेड। जुर्म पूरा हो चुका है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। गिरफ्तार कर लीजिए? क्या जुर्म किया है हमने? क्या गुनाह हमारा? बहुत बड़ा गुनाह किया है तुम सबने। डॉक्टर श्याम, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? डॉली 16.5 साल की है। गोया के नाबालिग है। लड़की की उम्र 16.5 साल और अमित की उम्र 20 साल। न लड़की ने 18 साल पूरे किए और न लड़के ने 21 साल। दोनों नाबालिग, और कानून के तहत नाबालिगों की शादी कराना एक जुर्म है। शादी करवाने वाले मां बाप और पंडित सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दफा 496 आईपीसी के तहत आप सब मुजरिम हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको इंस्पेक्टर। अगर यह जुर्म है तो इस जुर्म का जिम्मेदार मैं हूं। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए। देखो इंस्पेक्टर, आज तो इन बच्चों की नई जिंदगी शुरू हो रही है। आई एम सॉरी डॉक्टर श्याम, गुनाह आप सबने मिलकर किया है।
मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा आप शरीफों की तरह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चलें, प्लीज।